बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एसक्यूएल जॉइंस पार्ट टू है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसक्यूएल जॉइन जो है, हम पहले प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने एसक्यूएल जॉइन स्टार्ट किए थे और हमने इंट्रोडक्शन देखा एसक्यूएल जॉइंस हम क्यों यूज़ करते हैं, और हमने मल्टीपल टेबल से अगर रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है तो उसके दो तरीके हैं, एक हम जॉइंस यूज़ करते हैं और एक हम सब क्यूरीज यूज़ करते हैं। और इनमें जो ज़्यादा कॉमन है वो बेसिकली आपके पास जॉइंस हैं, और दूसरा ये कि आप मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए आप जॉइंस भी यूज़ आप सेलेक्ट की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप वेयर में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप जॉइंस यूज़ कर सकते हैं, आपने मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड को फेच करना है, डिस्प्ले कराना है, और आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने टाइप्स ऑफ जॉइंस देखी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जॉइंस की, जैसे आपके पास इनर जॉइन है, जैसे आपके पास नेचुरल जॉइन है, क्रॉस जॉइन है, आउटर जॉइन है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्री टाइप्स पढ़ी जॉइंस की। एक हमने पढ़ी क्रॉस जॉइन की, उसके बाद हमने पढ़ी नेचुरल जॉइन की, और उसके बाद हमने पढ़ी इनर जॉइन की। जो आउटर जॉइन है वो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा। ये तीन जॉइन की टाइप्स जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ी। इसमें जो आपके पास सबसे पहली टाइप थी क्रॉस जॉइन की, वो सिमिलर थी कि आप सेलेक्ट स्टैटिक करें और दो टेबल से रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा लें। इसी तरह से आप अगर करते हैं क्रॉस जॉइन यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास दो टेबल्स जिनके ऊपर आप क्रॉस जॉइन अप्लाई कर रहे हैं, उनमें आप जो है वो उनसे सारा रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं बेसिकली। तो जो क्रॉस जॉइन है उसमें आप जितना भी ए या बी, दोनों टेबल्स में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड आप फेच करते हैं, और वो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है। उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आती हैं और उसमें कॉमन वैल्यूज़ रिपीट भी होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे वाले टेबल की सारी वैल्यूज़ आएंगी, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के अगेंस्ट दूसरे टेबल की सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो इस तरह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यूज़ भी हो जाती हैं और आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने यूज़ किया नेक्स्ट जॉइन जो है, डैट इज़ नेचुरल जॉइन। जो नेचुरल जॉइन है वो बेसिकली आपके पास दो टेबल्स हैं ए और बी, मैं ए नेचुरल जॉइन बी कर रही हूँ टेबल, दोनों टेबल्स में ए और बी में नेचुरल जॉइन अप्लाई कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ए और बी टेबल है दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले होंगे, आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, और आपके पास कोई भी जो सेपरेट वैल्यू है जो कि कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई यूनिक वैल्यू है दोनों टेबल्स में और कॉमन नहीं है दोनों टेबल्स में, वो वैल्यू भी डिस्प्ले नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास कॉमन रिकॉर्ड्स हैं आपके पास वो डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट टाइप हम लोगों ने देखी वो थी आपके पास क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन। जो इनर जॉइन है उसमें बेसिकली आपके पास जो, अगर आप दोनों टेबल्स के ऊपर कोई कंडीशन फुलफिल करवाना चाहते हैं और फिर आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तब आप इनर जॉइन यूज़ करते हैं। जो नेचुरल जॉइन है उसके ऊपर आपकी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, वो जस्ट आपने दोनों टेबल्स में ऑलरेडी आपके पास जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले करवा देगा। और जो क्रॉस जॉइन है वो तो आपके पास डेफिनेटली जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले कराएगा, लेकिन जो इनर जॉइन है वो आपके पास जो दोनों टेबल्स में अगर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है रिकॉर्ड्स में, आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तब आप इनर जॉइन अप्लाई करेंगे। जैसे आप कोई वेयर की क्लॉज लगाना चाह रहे होते हैं, सेलेक्ट स्टैरी फ्रॉम ए एंड बी वेयर की क्लॉज लगा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इनर जॉइन बन जाएगा। जो इसी तरह से हमने टाइप देखे इनर जॉइन, आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर बेसिकली पढ़ेंगे कि इनर और क्रॉस जॉइन हमने पढ़ ली, हम नेचुरल जॉइंस, आउटर जॉइन और सेल्फ जॉइन। बेसिकली हम नेचुरल जॉइन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें आउटर जॉइन क्लियर हो जाए। तो हम ये दोबारा से रिपीट करेंगे, ये आपके पास सारे टाइप्स हैं जॉइन की, इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन और नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। तो हम ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे कि नेचुरल जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या है और सेल्फ जॉइन क्या है। ओके, एसक्यूएल जॉइन की टाइप्स हैं नेचुरल जॉइन, एंड एक्वी जॉइन परफॉर्म्स अ जॉइन अगेंस्ट इक्वालिटी और मैचिंग कॉलम वैल्यूज ऑफ द एसोसिएटेड टेबल, एंड एन इक्वल साइज साइन इज यूज्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर इन द वेयर क्लॉज टू रेफर कॉल इक्वालिटी
The natural join is a type of acute join and is structured in such a way that column with the same name of associated table will appear once only. ठीक है, जो acute join है वो बिल्कुल similar है as compared to natural join, जो कि equal के operator के लिए use होता है. अब equal के operator, natural join या acute join क्या चीज़ represent करते हैं, कि जो आपके पास common records हैं सिर्फ आपके पास वो display हों, जो आपके पास different records हैं वो आपके पास display ना हो. तो नेचुरल ज्वाइन जो है डेट इज अ टाइप ऑफ एक्वे ज्वाइन. अब क्या एसोसिएटेड टेबल है वन और मेड पेयर ऑफ आइडेंटिकल नेम कॉलम्स, तो कॉलम मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप, नो नीड टू यूज ऑन क्लॉज इन अ नेचुरल ज्वाइन. अब जो नेचुरल ज्वाइन है उसके ऊपर हम ऑन की क्लॉज नहीं अप्लाई करते, उसमें हम जस्ट फॉर्म का टेबल यूज करते हैं. जैसे सिलेक्ट ए डॉट कॉलम वन बी डॉट कॉलम वन, कि मैंने ए वाले टेबल में से कॉलम वन डिस्प्ले कराया, बी वाले टेबल में से कॉलम टू डिस्प्ले कराना है. फ्रॉम टेबल वन ए नेचुरल ज्वाइन टेबल टू बी, के इन दोनों टेबल्स का नेचुरल ज्वाइन करें ए और बी का. एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं. ये आपके पास एक टेबल है फूड का और एक आपके पास टेबल है कंपनी का, और इसमें आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, इसमें आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स हैं. हमने अप्लाई किया सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फूड नेचुरल ज्वाइन कंपनी, इस फूड और कंपनी वाले टेबल के ऊपर नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करिए, तो जो रिजल्टिंग आउटपुट है वो आपके पास ये आ रही है. अब आपके पास आउटपुट ये क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं आपके पास वो डिस्प्ले हो रहे हैं. जैसे आपके पास 16 वाला रिकॉर्ड हो रहा है, 15 वाला हो रहा है, और ये 15 वाला दो दफ़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू आइटम आईडी की वैल्यू डिफरेंट हो रही है, एक 6 है और एक 2 है. ठीक है, इसी तरह से आपके पास 17 वाला एक दफ़ा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, 15 वाला फिर दोबारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोबारा कोई डिफरेंट वैल्यू है. जैसे आइटम आईडी यहाँ पर 4 है, इसी तरह से 18 वाला डिस्प्ले हो रहा है. अब 19 वाला आपके पास रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि डैट इज़ नॉट अ कॉमन रिकॉर्ड इन दीज टू टेबल्स फूड एंड कंपनी. तो नेचुरल ज्वाइन एक तो आपके पास सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराएगा, और कॉमन रिकॉर्ड्स वो भी जो कि आपके पास एक दफ़ा आ रही है. ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास ये 15 वाले रिकॉर्ड में, यहाँ पर भी 15 वाले रिकॉर्ड में आइटम आईडी सेम होता, लेट्स सपोज 6 होता, और यहाँ पर भी 15 वाले में 6 होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले करवाता 15. ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन आपके पास सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स को दोनों टेबल्स में जो है उनको डिस्प्ले कराते हैं. जो डिफरेंट रिकॉर्ड हैं जैसे 19 है, इसको डिस्प्ले नहीं करवाया गया. जैसे ये देखें, ये है, और जो आपके पास अगर सेम कॉलम्स हैं तो वो आपके पास सिर्फ एक दफ़ा ही डिस्प्ले होंगे. जैसे कंपनी आईडी वाला कॉलम है, ये दोनों टेबल्स में सेम कॉलम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले होगा, दिस इज कंपनी आईडी. जो सेम कॉलम्स हैं वो भी एक दफ़ा डिस्प्ले होंगे, बाकी सारे कॉलम्स अलग अलग डिस्प्ले होंगे, और रिकॉर्ड्स हैं वो कॉमन डिस्प्ले होंगे. डिफरेंस बिटवीन इनर ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कंपनी इनर ज्वाइन फूड ओन कंपनी डॉट कंपनी आईडी इक्वल टू फूड डॉट कंपनी आईडी, एंड सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कंपनी नेचुरल आईडी एंड फूड. अब इनर ज्वाइन और जो नेचुरल ज्वाइन है उसमें फ़र्क क्या है, उसमें एक तो फ़र्क ये है कि हम ऑन की क्लॉज यूज़ करते हैं इनर ज्वाइन में, जो कि हम नेचुरल ज्वाइन में ऑन की क्लॉज नहीं यूज़ करते. और दूसरी बात ये कि इसमें हमें यहाँ पे ऑन में कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है इनर ज्वाइन में. खाली हम इनर ज्वाइन लिखेंगे फ्रॉम कंपनी इनर ज्वाइन फूड, तब वो हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करवाएगा, हमें इसके साथ कंडीशन अप्लाई करना ज़रूरी है, ऑन की क्लॉज के साथ कंडीशन. अब कंडीशन क्या अप्लाई किया, कंपनी डॉट कंपनी आई डी इक्वल टू फूड डॉट कंपनी आईडी, के दोनों टेबल्स में कंपनी आईडी जहाँ जहाँ सेम हो रही है वो वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दे, तो इसने कंपनी आईडी जहाँ जहाँ सेम हो रही है, इन दोनों की जहाँ जहाँ कंपनी आईडी सेम हो रही है वो डिस्प्ले करवाई है, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए हैं. जबकि नेचुरल ज्वाइन क्या कर रहा है, वो सिर्फ जो कॉमन आपके पास एट्रीब्यूट है, जैसे हम नेचुरल ज्वाइन पढ़ चुके हैं, उससे सिर्फ जो कॉमन एट्रीब्यूट है आपको वो डिस्प्ले करवाएगा एक दफ़ा. लेकिन ये कि इसमें आपके पास कंडीशन आपके पास होती है. अब ये कंडीशन आपके पास लगाई गई है कि आपके पास दोनों की ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ द आउटर ज्वाइन. जो आउटर ज्वाइन है वो बेसिकली वर्ड से पता चल रहा है कि एक कॉलम, एक आप टेबल को आउटर कर देते हैं. जैसे ये दो टेबल्स हैं ए और बी, इसी तरह ये दो टेबल्स हैं. आउटर ज्वाइन में दो आपके पास टाइप्स हैं, एक लेफ्ट ज्वाइन और एक राइट ज्वाइन. जो लेफ्ट ज्वाइन है ये आपको पता चल रहा होगा, एक ए टेबल है और एक बी टेबल है. लेफ्ट ज्वाइन में आपके पास लेफ्ट वाला जो पूरा टेबल है वो, और इनका जो कॉमन रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होगा. लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और ए और बी में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले होंगे.
जो राइट ज्वाइन है उसमें राइट वाला पूरा टेबल और जो उन दोनों टेबल्स में कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है। राइट वाले के लेट सपोज 10 रिकॉर्ड्स हैं और ए वाले के लेट सपोज 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो टोटल 5 रिकॉर्ड्स 10 रिकॉर्ड्स ही डिस्प्ले होंगे और कॉमन रिकॉर्ड्स इन दोनों में जो है वो एक दफ़ा डिस्प्ले होंगे। इसी तरह ए और बी में अगर लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट वाला पूरा टेबल डिस्प्ले होगा अलॉन्ग विद द कॉमन वैल्यूज इन बोथ टेबल ए एंड बी। ओके, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ये दोनों जो हैं वो आपके पास सिनोनिम्स ही हैं। अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं या लेफ्ट ज्वाइन बोलते हैं, सेम इज द केस विद आप राइट आउटर ज्वाइन बोलते हैं या फिर राइट ज्वाइन बोलते हैं, तो ये दोनों सेम केसेस हैं। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहे हैं, रिटर्न मैच रोज प्लस ऑल अनमैच रोज फ्रॉम द टेबल ऑन द लेफ्ट ऑफ द ज्वाइन क्लॉज। एक तो कॉमन वैल्यूज दोनों में टेबल्स में जो हैं और वो वाली वैल्यूज जो कि कॉमन नहीं हैं और ए वाले टेबल में है वो सारी डिस्प्ले। इसी तरह से राइट ज्वाइन में जो मैच वाली रोज हैं वो सारी और जो अनमैच रोज हैं बी वाले कॉलम में वो डिस्प्ले होंगी। ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सिलेक्ट ए डॉट कॉलम वन बी डॉट फ्रॉम टेबल ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल बी ओन ए डॉट कॉलम पी के इक्वल टू बी डॉट कॉलम एफ के। अब इस पर अगर हमने कोई कंडीशन लगानी है देन यू हैव टू यूज द ऑन क्लॉज, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सिलेक्ट सी कंपनी आईडी और ये आपने जो भी डिस्प्ले उन दोनों टेबल से डिस्प्ले करानी है रिकॉर्ड्स वो फ्रॉम कंपनी सी लेफ्ट आउटर ज्वाइन फूट एफ ऑन सी डॉट कंपनी आईडी इक्वल टू एफ डॉट कंपनी आईडी। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन की है किसके ऊपर, कंपनी सी और फूट एफ, इसका मतलब है कि सी वाले कंपनी सी है इसके ऊपर लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। तो जो कंपनी सी वाला टेबल होगा उसके सारे उसमें एक तो कॉमन रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले हो गए, यहाँ तक ये कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए ये, ठीक है 18 तक। अब उस एक टेबल में 19 वाला आपको याद है पीछे हमने देखा कि एक 19 वाला अनमैच्ड कॉलम है, तो 19 वाला भी डिस्प्ले होगा, एक तो सारी कॉमन रिकॉर्ड्स आ गए, ये सारे कॉमन रिकॉर्ड्स आ गए। और देखें जो राइट वाला टेबल है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर आपके पास नल डिस्प्ले हो जाएगा और आपके पास लेफ्ट वाली जो है वो एक्स्ट्रा जो रिकॉर्ड होगा वो भी डिस्प्ले होगा। जैसे ये हम टेबल ओपन करते हैं, ये कंपनी वाले टेबल में एक तो इन दोनों में कॉमन रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, ये 15 है 18 है 16 है 17 है, ये कॉमन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए यहाँ तक। 19 वाला हमने कहा कंपनी सी वाले टेबल का लेफ्ट ज्वाइन करें फूड वाले टेबल के साथ, तो सी वाले टेबल का जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है वो भी डिस्प्ले होगा और सारे कॉमन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। ये सारे कॉमन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए और ये जो एक्स्ट्रा वाला रिकॉर्ड है ये डिस्प्ले हो गया, तो दिस इज लेफ्ट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन में अब क्या होगा कि आपके पास जो राइट वाले रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले होंगे और लेफ्ट वाले ब्लैंक होंगे अगर राइट में आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है। जैसे ये आपके पास ये सॉल्ट एंड शेक, आपके पास जो राइट वाला टेबल है एक तो कॉमन रिकॉर्ड्स हो गए सारे और जो राइट वाला टेबल है उसके जो आपका कोई अगर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है तो वो डिस्प्ले होगा और बाकी सारे क्या होंगे नल होंगे। फुल आउटर ज्वाइन बेसिकली आपके पास दोनों टेबल्स में एक तो मैच वैल्यूज कॉमन वैल्यूज और दूसरी बात ये कि एक आपके पास जो राइट वाले टेबल में एक्स्ट्रा वैल्यू और जो लेफ्ट वाले टेबल में एक्स्ट्रा वैल्यू उन दोनों को भी डिस्प्ले कराएगी। इसका मतलब है कि दोनों ये वाले टेबल्स की भी और कॉमन वैल्यूज भी। जैसे ये एग्जाम्पल है टेबल ए और टेबल बी दोनों को हमने क्या किया है आउटर ज्वाइन अप्लाई किया, तो आउटर ज्वाइन के लिए क्या है आपके पास फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो ए और बी में क्या है आपने क्या करना है कि इनके कॉमन रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, टू है ठीक है, टू वाला कॉमन रिकॉर्ड और इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कौन सा है वन एंड फोर और इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कौन सा है आपके पास थ्री एंड फाइव। देखें टू वाला ये कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया दोनों का और उसके बाद एक वन वाला रिकॉर्ड फोर वाला रिकॉर्ड और फिर उसके बाद थ्री वाला रिकॉर्ड एंड फाइव वाला रिकॉर्ड, ठीक है। और बाकियों की जगह क्या आ जाएगी नल नल वैल्यूज आ जाएगी। तो फुल आउटर ज्वाइन बेसिकली आपके पास जितनी भी दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड हैं एक तो कॉमन रिकॉर्ड्स और उसके बाद उनके में दो जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हैं उनको भी डिस्प्ले कराने के लिए। ये अगर हम फुल आउटर ज्वाइन उन दोनों टेबल्स पे अगर लगा रहे हैं तो ये 19 वाला रिकॉर्ड भी आया हुआ है और ये सॉल्ट एंड शेक वाला भी आइटम नेम आया हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देख लें। लेफ्ट आउटर ज्वाइन है जैसे ये आपके पास दो टेबल्स हैं इनमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन कॉमन रिकॉर्ड्स क्या हैं 22 हैं जस्ट 22 और लेफ्ट वाले टेबल में रिकॉर्ड कौन से हैं 95 और 31 वाले रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये वाला रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हुआ 95 103 वाला, क्यों नहीं हुआ ये वाला रिकॉर्ड, इसी वजह से कि आपके पास जो है वो
यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। इसी तरह से राइट आउटर ज्वाइन में आपके पास लेफ्ट वाले ही बस जो जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आपके पास BID 101 और 103 कॉमन है, तो 101 और 103 वाला रिकॉर्ड है 22 एंड 95, और बाकी सारा आपके पास क्या है, राइट वाले टेबल का रिकॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट इज अ सेल्फ ज्वाइन। जो सेल्फ ज्वाइन है वो एक और टाइप है ज्वाइन की, जो कि बेसिकली अगर हम फॉरेन कीज रेफरेंस में दे रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है कि एक ही टेबल के साथ उसी का ज्वाइन। जैसे हमने किया था कि आपने यूनरी रिलेशनशिप पढ़े थे, यूनरी रिलेशनशिप में आपके पास क्या होता है, एक ही टेबल होता है और उसी टेबल का उसी टेबल के साथ सेल्फ टेबल के साथ रिलेशनशिप होता है, और वहाँ पर हम रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, उसी टेबल में एक फॉरेन की भी ऐड कर देते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन जो है वो किस तरह से यूज होता है वो हम देख लेते हैं। ये यूनरी रिलेशनशिप इन डेटाबेस, वन पर्सन इज मैरिड टू वन पर्सन। इसी तरह से वन एम्प्लॉय सुपरवाइजेस मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर क्या है कि हम हर एक की दोनों टेबल्स की प्राइमरी की भी होगी, और ये क्या है, ये सेल्फ रिलेशन बन रहा है, एम्प्लॉय सुपरवाइज मल्टीपल एम्प्लॉय। अब जो सुपरवाइज करवा रहा है वो बेशक सुपरवाइजर है, लेकिन कैटेगरी तो एम्प्लॉय की ही है ना, तो इसलिए इसका रिलेशनशिप इसके साथ सेल्फ रिलेशनशिप, यूनरी रिलेशनशिप बन रहा है, वन एम्प्लॉय सुपरवाइज मल्टीपल एम्प्लॉयज। इसको हम किस तरह से जो है वो डोनेट करेंगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी डेटा टाइप वाचर प्राइमरी की यहाँ पे वन लिख दी आपने, प्राइमरी की सेट की, और एम्प्लॉय है, और आर जो है वो आपके पास क्या है, फॉरेन की है, जो कि रेफरेंस के लिए यूज हो रही है। ये देखें, ये एम्प्लॉय रेफरेंस की, जैसे ये देखें यहाँ पे 2051, ये एम्प्लॉय की प्राइमरी की, ये है एम्प्लॉय आईडी, एंड एम्प्लॉय सुपरवाइजर की ये क्या है, ये फॉरेन की है। ठीक है, तो ये जो है ये फॉरेन की ऐड हुई भी है और ये प्राइमरी की है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेल्फ ज्वाइन में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय सुपरवाइजर। ठीक है, कि आपने इन दोनों टेबल को सेल्फ ज्वाइन किया है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, ये है सिलेक्ट पी डॉट पर्सन नेम एज पर्सन नेम एज डॉट एस वेयर नेम फ्रॉम पर्सन पी वेयर पी डॉट पर्सन आई डी इक्वल टू एस स्पाउस डॉट आई डी। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय आई डी सुपरवाइजर आई डी के अगेंस्ट है, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए। तो आपके पास कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, एक 2051 वाला रिकॉर्ड, ये वाला डिस्प्ले होगा, एक आपके पास 2073 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, एक इसी तरह से। अब ये देखें, ये जो कॉमन वैल्यूज हैं, सिर्फ आपके पास ये वाली डिस्प्ले होंगे 2051, और ये सुपरवाइजर आईडी यहाँ पर ये है, एम्प्लॉय आईडी ये है, फिर सुपरवाइजर आईडी, जहाँ जहाँ आपके पास कॉमन रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से आपके पास ये एग्जांपल है जो स्पाउस और पर्सन की है, कि वन पर्सन इज मैरिड टू वन पर्सन, तो जीरो और वन पर्सन इज मैरिड टू वन पर्सन। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास ज्वाइंस की एग्जाम्पल हैं, कि आपके पास लेफ्ट ज्वाइन है, ये आपके पास लेफ्ट ज्वाइन ऑन की है, कि आपके पास जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेफ्ट वाला टेबल डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट वाला टेबल भी डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं और कॉमन रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, वेयर बी की इज नल, इसका मतलब है कि यहाँ पे अब बी का कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ ए वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से राइट वाले टेबल में यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी दोनों टेबल्स में से जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो, और जो बी वाला टेबल है राइट वाला टेबल है उसकी सारी वैल्यूज। इसी तरह से आप अगर उसमें नल वैल्यू कर देते हैं बी में, तो उसमें क्या वैल्यू होती है कि आपके पास जो राइट वाला टेबल है वो सारा होगा, सिर्फ राइट वाला टेबल डिस्प्ले होगा, और जो आपके पास आउटर फुल आउटर जॉइन होता है उसमें आप अगर कॉमन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, जस्ट यू हैव टू डिस्प्ले द डिफरेंट रिकॉर्ड्स लाइक ए और बी में जो कॉमन रिकॉर्ड्स के अलावा रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तब आप क्या लिखते हैं, और बी की इज नल, ए की इज नल एंड बी की इज नल। इधर इधर क्या आप लिखेंगे कि वेयर ए की इज नल, इधर लिखेंगे वेयर बी की इज नल। ठीक है, और इधर आपको नल नहीं लिखना है, इधर आपने इक्वालिटी करना है, ओन ए की इक्वल टू बी की। इसका मतलब है कि ये इक्वी ज्वाइन का ऑपरेटर लगा रहे हैं, इक्वल टू कि दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले हों। तो ये आपके पास जो है वो ज्वाइंस की एग्जांपल्स हैं, कि आपके पास आउटर ज्वाइन में आपके पास लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन में भी आप जो है वो
एक क्विक ऑपरेटर भी लगा सकते हैं और नल का ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से राइट ज्वाइन है, इसी तरह से आपके पास फुल आउटर ज्वाइन है। फुल आउटर ज्वाइन में भी अगर आप कॉमन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं या फिर आप जस्ट दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं।